आज मैं मतलब वो किसी भी एंगल के लिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना और मैग्नीट्यूड से एंगल कैलकुलेट करना, वो पोर्शन आज कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि सबके पास वो लॉग टेबल वाली बुक होगी। और लॉग टेबल की जो बुक है उसमें नेचुरल साइन और नेचुरल टेन ऐसे दो टेबल है, नेचुरल साइन और नेचुरल सर टेन। हेलो सर सर अभी हेलो मैं बाहर हूँ तो आप क्वेश्चन बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी वो बुक नहीं है, मैं बाहर हूँ। नहीं, क्वेश्चन भी बोलूंगा और यहाँ मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे और उसको अपलोड भी करेंगे। फिर से आपको एक बार देखना है तो ये वीडियो फिर से भी आप चेक कर पाएंगे। क्लियर? ओके सर। हाँ आप देखो कि अब तक आपने वो साइन की जो वैल्यू है, सपोज साइन थीटा, तो आपने लिखा साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60। तो जिस स्टूडेंट के पास वो नेचुरल साइन की जो टेबल है, वो नेचुरल साइन की टेबल में चेक करो कि टेबल जब स्टार्ट होता है ना, पहले कॉलम में 0, 1, 2, 3, इस तरह से लिखे। ओके, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखे दिया है। उसके बाद 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, इस तरह से 54 मिनट तक लिखा है। 54 मिनट तक इस तरह की कॉलम होगी। किसके लिए बता रहा हूं मैं? नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। ओके, ऐसा लिखा होगा इस टेबल के अंदर। और बाद में लास्ट में उन लोगों ने मेन डिफरेंस निकाला है। मेन डिफरेंस वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट के लिए। यहाँ भी और 5 कॉलम्स है। अब सबसे पहले साइन 0 देखना है तो ये वैल्यू आप यहाँ देखेंगे। तो साइन 0 में उन लोगों ने 0, 0, 0, 0 ऐसा लिखा है। ओके, उसके बाद साइन 30, साइन 30, तो इस लाइन के अंदर जहां 30 है उसके सामने 0 में चेक करो, उन लोगों ने 0.500 ऐसा लिखा है। क्लियर? ये टेबल 44 तक जाएगा और नेक्स्ट पेज पे 45 से स्टार्ट हो गया, 90 तक होगा, 89 तक होगा, 90, 89 तक उन लोग लिखे देते हैं। ओके, साइन 45 सेकेंड टेबल के अंदर, सेकेंड टेबल के अंदर पहले 45 है और यहाँ जो बॉक्स है वहां चेक करो, उसने लिखा होगा 0.7071। 7071। और बाद में सिमिलर 60, 60 के सामने चेक करो, टेबल के अंदर उन लोगों ने लिख के दिया है 0.8660। पहले इतनी वैल्यूएशन मिली आपको। अब देखो, जिसके पास वो लैब मैनुअल होगी ना, लेबोरेटरी मैनुअल फिजिक्स की, सपोज टेक्स्ट बुक परचेस की हो तो लैब मैनुअल दी है। लैब मैनुअल वाली बुक के अंदर पीछे भी नेचुरल साइन और नेचुरल टेन की टेबल है, लॉग टेबल की बुक में भी है। तो पहले इतनी वैल्यूएशन आपको आपने चेक की, कहाँ कहाँ चेक करना है? लॉग टेबल की तरफ 45 का 0, 60 का 0, 30 का 0, साइन के टेबल में इस टाइप की वैल्यूएशन है। मिलता है ऐसा? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर, ओके, अब थोड़ा आगे। ये मैंने 60 के लिए लिखा। अब सपोज मान लो कि आपको एंगल लिखे दिया है कि 60 डिग्री एंड 12 मिनट्स की वैल्यू क्या होगी या मैग्नीट्यूड क्या होगी? 60 डिग्री, और क्या बता रहा हूँ? 12 मिनट्स। तो देखो यहाँ, ये 60 डिग्री 0 मिनट, 60 डिग्री 6 मिनट, तो ये वाली ब्लॉक चेक करो, वो 60 डिग्री और 12 मिनट है। कितना आंसर मिलता है? 8, 6,
ओके 8678, लेकिन जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे 0.8678, क्योंकि इस टेबल में जितनी भी वैल्यूएशन है सबकी मैग्नीट्यूड लेस देन वन एंड देयरफॉर 0.8678। फिर से बता रहा हूँ, 60 का ये जीरो है, 60 के लिए वन सॉरी 6 मिनट और 60 के लिए 12 मिनट, यहाँ से चेक करना है 60 डिग्री और 12 मिनट्स। ओके लेकिन ये क्या है, 60 डिग्री 0 मिलेगा, 60 डिग्री 6 मिनट मिलेगा, 60 डिग्री 12 मिनट मिलेगा और उसके बाद 60 डिग्री और 18 मिनट्स मिलेगा। सपोज किसी ने ऐसा बताया कि आपको मैग्नेट फाइंड करना है 60 डिग्री और 15 मिनट, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, तो 60 डिग्री और 12 मिनट आपको इतना आंसर मिलता है। उसी लाइन में आगे जाके 3 का डिफरेंस कितने का, 3, हमको कितना चाहिए 15, 15 मतलब 12 प्लस 3, तो इसी लाइन में यहीं डिजिट होगी, इसी लाइन के अंदर आगे चेक करो एक डिजिट लिख के दी है 60 में, कितनी दी 4 ओके 4, तो आप 4 ऐड कर देंगे। क्यों, फिर से बता रहा हूं, ये आपने जो लिखा था वो 60 डिग्री और 12 मिनट के लिए था, 3 मिनट की डिफरेंस है, आपको टोटल फाइंड करना था 60 डिग्री और 15 मिनट, तो आंसर होगा 2, 0.8682, क्लियर। तो आप किसी भी एंगल के लिए इस टेबल से मैग्नेट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टेबल के लिए, सॉरी किसी भी एंगल के लिए। ओके सब, चलो इस सर्व के और प्रैक्टिस हम करेंगे, साइन टेबल से ही करेंगे। सपोज साइन 45 डिग्री 10 मिनट्स, साइन 72 डिग्री 18 मिनट्स, साइन 80 डिग्री 50 मिनट, ऊपर एक लिख रहे हैं, साइन 30 डिग्री और 4 मिनट। चलो पहले यहां से स्टार्ट करें, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पहले 30 वाली लाइन चेक करो, तो आपको पहले 30 का जीरो में आंसर मिलेगा, सबसे पहले आपको 30 का जीरो में आंसर मिलेगा, उसके बाद 6 है, पहले चेक करके बता 30 का जीरो क्या होगा, 0.5000, क्लियर। साइन टेबल में 30 का जीरो में कितना मिलेगा, 0.5000, ओके। और बाद में उसी लाइन में 4 की मीन डिफरेंस चेक करो, उसी लाइन में आप 4 के लिए मीन डिफरेंस चेक करो, कितना दिया, 30 का जीरो में लिखा है 0.5000, मतलब 5000 ऐसा लिखा होगा। ओके अब उसी लाइन में आगे 4 का मेन डिफरेंस, 4 का मेन डिफरेंस था 30 10 आप ऐड करेंगे तो 5010 होगा, लेकिन जब यहाँ आंसर लिखा तो लिखेंगे 0.5010, क्लियर। तो इस एंगल के लिए मैग्नीट्यूड है, आगे कंप्लीट करो, साइन 45 डिग्री 10 मिनट्स कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले आप साइन 45 डिग्री का 6 मिनट की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, 45 डिग्री 6 मिनट, बताओ आंसर क्या मिलेगा, 7083। ओके अब रिमेनिंग कितने हैं, 10 है और हमको कितना मिला 6, तो उसी लाइन में 45 की लाइन में आपने जो बताया 6, मतलब देखो 45 6 ये कितना मिला 7083, उसी लाइन में आगे कितने का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो 4, क्योंकि हमको 45 डिग्री 10 मिनट सही है, ये था 45 डिग्री 6 मिनट, सो एक्सेस कितना था 4 की मेन डिफरेंस 8, ओके 8 लिख के दिए,
इसका मतलब 45 डिग्री 10 मिनट्स के लिए आंसर होगा 1907. सो आंसर इज 0.7091. 0.7091. क्लियर. चलो ये आप खुद बताओ, ये तो डायरेक्ट मिलने वाला है 72 डिग्री एंड 18 मिनट डायरेक्टली मिल जाएगा. 9527. इसका मतलब 0.9527. 0.9527 कैसे मिलेगा? तो 72 का जीरो होगा, 72 6 मिनट, 72 12 मिनट और 72 8 मिनट, सॉरी 18 मिनट. तो 18 मिनट के अंदर इसको चेक करना है. क्लियर. ओके, नाउ साइन 80 डिग्री एंड 50 मिनट्स. पहले आप 80 डिग्री और 48 मिनट में चेक करेंगे. 9871. ओके, 80 डिग्री 48 मिनट मतलब क्या मिला? 9871. एक मिनट 9871 होगा ना? हाँ. इसके लिए लिखना है 9871 और इसी लाइन में 2 का डिफरेंस प्लस वन. सो 9872 कंप्लीट. सर बोलो. हेलो सर. सर ये नहीं पता चला, ये साइन. आवाज कम आ रही है. हाँ, लास्ट वाला नहीं पता चला. लास्ट वाला नहीं पता चला. ओके, डोंट वरी. अब देखो, 80 डिग्री 50 मिनट कैलकुलेट करना है, लेकिन टेबल के अंदर 0 मिनट 6 मिनट 12 मिनट 18 मिनट कहां तक है? 54 के आगे वाली जो कॉलम आएगी ना 48 होगी. 48. तो आप क्या काम करेंगे? 80 डिग्री ये 48 यहां चेक करेंगे. तो 80 डिग्री 48 के अंदर लिखा है 9871. यहाँ लिखा है 9871 और उसी लाइन के अंदर अब कितना ऐड करना है? 2 मिनट्स. तो इस 2 मिनट के अंदर उन लोगों ने लिखा है 1. चेक करो पहले इतना मिलता है. 80 वाली लाइन कॉलम कौन सा? 48 का 9871. उसी लाइन में 2 का मीन डिफरेंस इज अ 1. तो क्या होगा? 9872 हो गया. इतना चेक करो टेबल पहले चेक करना. नेचुरल साइन होनी चाहिए. है कोई डाउट? चेक करो फिर एक. नो सर. कंसीडरेबल नेचुरल साइन. क्लियर. 80 डिग्री 48 मिनट तक जाना है. जहां लिख के दिया है 9871 और आगे 2 मिनट वाली मेन डिफरेंस इज अ 1. क्यों ऐसा हमने काम किया? कि हमको कैलकुलेट करना था 80 डिग्री और 50 मिनट. एक चीज और बता, ये जो है सभी एंगल है, ये 0 मिनट, बाकी वन 6, देन 12, देन 80, 24, 6 के डिफरेंस से वो आगे जाएगा. ओके, तो ये दोनों के बीच में गैप कौन सी बाकी है? चलो जी, 30 डिग्री 0 मिनट हो गया, 30 डिग्री 1 मिनट तो इसके अंदर ही ऐड करेगी, 30 डिग्री 2 मिनट्स तो इसके अंदर मतलब 2 वाली ऐड करेंगे, 30 डिग्री 3 मिनट्स तो यहां वाली आंसर ही ऐड करेंगे, 4 एंड 5 6 फिर से यहां मिलेगा. क्यों ऐसा होता है? कि हमने पहले कंप्लीट किया तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट. 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 60 मिनट. चेक करो पूरी 60 तक की कैलकुलेशन हो सकती है. 30 का 0 आपने चेक किया, ये ऐड कर दो 30 डिग्री 1 मिनट, इस कॉलम से ऐड करो 30 डिग्री 2 मिनट्स, ये होगा 30 डिग्री 3 मिनट्स, 30 डिग्री 4 मिनट्स और 30 डिग्री 5, बाकी 30 डिग्री 6 तो यहाँ हो गया. अब 6 के अंदर 1 का डिफरेंस ऐड करो तो 7, 6 के अंदर 2 का डिफरेंस ऐड करो तो 8, ये ऐड करेंगे तो 9, 4 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो 10 और 5 का डिफरेंस ऐड करें तो 11. 30 डिग्री 12 मिनट्स. यस, उसके बाद 30 डिग्री 12 मिनट्स होगा. क्लियर.
इन लोगों ने क्या किया, 60 मिनट तक सभी एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी था कि आपको एंगल दिया जाता है, आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है। लेकिन आपने सपोज लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि आपके पास मैग्नेट था और आपको एंगल कैलकुलेट करना था। क्या था मैग्नेट? एज फॉर एग्जाम्पल फिर से कि साइन 60 आपने क्या लिखा 0.8660, लेकिन समझ ऐसा दिया जाए कि साइन इनवर्स 0.8660 टर्म्स आप आंसर लेंगे 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 60 की वैल्यू 0.8660 है। ये क्या बता रहा है, 0.8660 किस एंगल की वैल्यू है, आप लिखेंगे 60। क्लियर? सिमिलरली साइन 45 0.7071 है, लेकिन समझ लीजिएगा कि साइन इनवर्स 0.7071 तो आंसर क्या होगा 45 डिग्री। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड है उससे आपको एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैग्नीट्यूड जो दी है उससे आपको क्या करना है, एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करके देना है। ओके चलो इस टाइप की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे साइन इनवर्स, सॉरी टेन इनवर्स, टेन की डबल से चेक करेंगे, टेन इनवर्स 1.333। अब आपकी नेचुरल टेन वाली टेबल चेक करो, नेचुरल टेन टेंजेंट यहां लिखा होगा, यहां उन लोगों ने टेंजेंट ऐसा लिख के दिया होगा नेचुरल टेन। आप चेक करो सिमिलर टेबल है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, उसी तरह से उन लोगों ने लिख के दिया। अब काम क्या करना है कि tan इनवर्स 1.333 किस एंगल की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। अब नेचुरल टेन में पहली जो टेबल है वो 44 तक है और सेकंड टेबल है वो 45 से स्टार्ट होती है। चेक किया आपने, फर्स्ट 44 तक है और सेकंड 45 से है और हम जानते हैं कि tan 45 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब फर्स्ट टेबल में जितनी भी मैग्नीट है वो लेस देन 1 है और सेकंड टेबल में जितनी मैग्नीट है वो 1 या 1 से ज्यादा है। पहले चेक करो आपको क्या फाइंड करना है, tan इनवर्स 1.3333 मतलब ये ग्रेटर देन 1 हुआ, ये क्या हुआ ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले अब फर्स्ट कॉलम चेक करेंगे, फर्स्ट वाली कॉलम ये जो है ना 0 वाली, वो 0 वाली कॉलम चेक करते जाओ कि ये जो नंबर है कहां मिलता है, ये इससे कम तक कहां तक जाते हैं। एक काम करो अब 53 चेक करो, 53 का 0 क्या लिख दिया, नेचुरल 10 के टेबल के अंदर 53 की 0 की वैल्यू क्या है, 1.3270 1.3253। चेक करो 54 में क्या लिखा, 1.3764 चेक करो ये वैल्यू से ज्यादा है और इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या है कम, हमको क्या चेक करना पड़ेगा 53 में, ये आंसर यहाँ मिलता है 53 की 0 में। अब इसके बाद वाले कॉलम पे जाओ, उसके बाद वाले कॉलम में कितना लिखा, 1.3319। अभी भी हमारी आंसर नहीं आई, हमको आंसर कहाँ तक चाहिए 1.3333। ओके उसके बाद वाले कॉलम पे जाओ 3367 मतलब तो इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया मतलब हम यहाँ चाहिए, इसका मतलब 53 degrees 6 minutes। चलो फिर से बता, ओके हेलो हेलो डाउट तो फिर से बताओ क्या प्रॉब्लम हुई,
अब देखो फिर से बता रहा हूँ आपको ये मैग्नेट कैलकुलेट करना है। आपने पहले पूरी कॉलम चेक की थी, कौन सी जीरो वाली कॉलम चेक की, तो पता चला कि यहाँ जो आंसर है वो 1.3270 है, 54 से ज्यादा था। जब हम यहाँ रुके, पहले इस लाइन में चेक किया था, ले हम यहाँ रुके, अब इस डायरेक्शन में जाना है। ये है 3270, यहाँ लिखा है 3319 और यहाँ लिखा है 3367, तो ये तो इससे ज्यादा हो गया। ये से क्या हो गया, ज्यादा। हम कहाँ रुक गए, सेकेंड के अंदर। ओके, इसका मतलब 53 डिग्री एंड 6 मिनट इज अ 1.3319। 53 डिग्री और 6 मिनट के आंसर है 1.3319। अब एक चीज और बता, ये 33 है और ये 90, डिफरेंस कितना हो रहा है? ये जरा डिफरेंस कितना होगा, 40 3, ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 40। ओके, तो यहां चेक करो कौन सी मेन डिफरेंस नियरेस्ट 14 है। कौन सा मेन डिफरेंस नियरेस्ट 14 है, फिर से बता। देखो 53 डिग्री का 0 है, 53 की 6 मिनट है, 53 की 12 मिनट है, 12 मिनट की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ रुक गए। 53 की 6 मिनट मतलब 1.3319, हमको जाना है 1.3333, डिफरेंस कितना होगा, 14, मतलब 14 वाला डिफरेंस। तो यहाँ चेक करेंगे एक में कितना डिफरेंस दिया, तो 53 डिग्री के अंदर 1 की डिफरेंस जो है वो 8 है, 1 की डिफरेंस कितनी है, 8। ओके चलो, यहाँ 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ओके तो ये भी अभी भी कम है। 2 की डिफरेंस चेक करो, 53 में 2 की डिफरेंस 16 है, 16 तो 1.3335 हो जाएगा। देखो ये इससे इंक्रीज हो गया है, इससे क्या हो गया, इंक्रीज, मतलब ये हमारे लिए आंसर है। ओके, ये कितने का डिफरेंस था, 1 मिनट का, तो हम क्या लिख सकते हैं, 53 डिग्री और 7 मिनट, 53 डिग्री और 7 मिनट। ओके, जल्दी करने की जरूरत नहीं, आराम से 2-3 और एग्जांपल भी सॉल्व करो, लेकिन ये प्रॉपर पता चलना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या वर्क किया कि हमको 1.333 कंप्लीट करना था, तो जीरो वाली कॉलम चेक करना शुरू किया, कौन से टेबल में, सेकंड टेबल में। क्यों सेकंड टेबल में, कि ग्रेटर देन 1 है, सेकंड टेबल के अंदर 53 में हमको ये आंसर मिली, 54 के आंसर इससे ज्यादा थी, ऐसे हम यहाँ रुक गए। अब इस टाइप की लाइन में जाएंगे, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्टार्ट किया, तो इसके बाद वाली मैग्नेट ये है, उसके बाद ये है, मतलब ये ज्यादा, तो यहाँ रुक गए। लेकिन ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, हमको 3333 चाहिए और ये 3319 है, तो हमने मेन डिफरेंस चेक करना शुरू किया। जब फर्स्ट की मेन डिफरेंस हमने ऐड की तो आंसर मिला 1.3327, जब सेकंड की मेन डिफरेंस मैंने ऐड की तो आंसर मिला 1.3335। ये मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम चलेगा, ज्यादा नहीं, इसलिए हम यहाँ रुक गए। तो ये आंसर हमारे राइट हो गया। ये किसका मेन डिफरेंस है, 1 मिनट का, कि 1 मिनट ऐड कर दिया तो आंसर मिलेगा 53 डिग्री और 7 मिनट, मतलब tan इनवर्स 1.333, इसका मतलब ये 53 डिग्री और 7 मिनट की आंसर है। ओके, एक और चेक करते हैं, सपोज ऐसा लिखा tan इनवर्स 0.75, सबसे पहले तो है लेस देन 1 है, लेस देन 1 होगा मतलब फर्स्ट टेबल से ही इसकी आंसर मिलेगी, फर्स्ट टेबल से ही उसकी आंसर मिलेगी। ओके, फर्स्ट टेबल के अंदर, इधर फर्स्ट टेबल के, ये फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट वाला टेबल। ओके, तो फर्स्ट टेबल के अंदर आप फर्स्ट कॉलम चेक करना शुरू करो, मतलब जीरो वाला कॉलम चेक करो,
और बताओ कि 0.75 तक वैल्यू कहाँ मिलती है? 37 एक मिनट पहले चलो 37 को बता रहा है ना, ऐसा नहीं, चलो 36 बताओ, एक मिनट, अरे ओके, सबसे पहले 36 नंबर बताओ कितना हुआ? 36 डिग्री कितना हुआ? 0.7265 ओके, 37 कितना हुआ? 0.7536 तो इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 0.75, ये 0.7536 है, मतलब ये हमको काम में नहीं आएगा। इसका मतलब कि आज 36 के अंदर अब यहाँ से आगे जाएंगे। 36 में पहली आंसर क्या मिली? 0.7265। अब आगे चेक करो उसके बाजू वाले कॉलम में, जीरो के बाजू वाला कॉलम क्या लिखा? 7292 ऐसा लिखा, ये 0 मिनट, ये कौन सी मिनट आई? 6 मिनट, कौन सा डिग्री है? 36। आगे बताओ इससे, 18 का आंसर, 7, 3, 4, 6। हाँ, 75 की वैल्यू कहाँ तक मिलती है? नियर 75 आंसर मिल, चेक करो आप 36 डिग्री और 48 मिनट में। कितना लिखा है? 7481। हाँ, 36 डिग्री और 48 मिनट, 7481। हमको चाहिए 0.75, मतलब ये पॉइंट तो है ही, डिफरेंस कितना मिला? 19। 75 इसका मतलब है 7500, तो ये डिफरेंस के हिसाब से 19 का डिफरेंस है। चेक करो मिन डिफरेंस में किसकी वैल्यू डियरेस्ट 90 है, 18 वाला है, देखो एक 4 मिनट, 4 मिनट में 18 लिखा है, 4 मिनट में क्या लिखा? 18। सपोज हम 18 ऐड करेंगे तो ये 9947.7499, इसका मतलब 36 डिग्री एंड 52 मिनट्स आंसर, 36 डिग्री एंड 52 मिनट्स, ये क्या होगी आंसर। ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि हमको क्या करना है कि मैग्नेट से एंगल फाइंड करना है। पहला तो इजी था, इसमें हम एंगल से मैग्नेट कैलकुलेट कर लेते थे, क्लियर? चलो tan इनवर्स और एक मैग्नेट दिख रहा हूं, tan इनवर्स 1.2736, ये सेकंड टेबल में होगा, क्यों? ग्रेटर देन 1 है इसलिए। अब मुझे चेक करके बताओ कि कितनी डिग्री होगी, फर्स्ट वाला कॉलम चेक करना है, जीरो वाला, सेकंड टेबल में जीरो वाला कॉलम चेक करो, 51 आ जाएगा, ओके 51 डिग्री, ओके। अब 51 डिग्री के अंदर जीरो में आंसर जो लिख के दी है वो आंसर है 1.234, ओके। अब एक काम करो, यहां तक जाना है, लाइन में आके चेक करो नियरेस्ट वैल्यू क्या है, मेरी आंसर कितनी है? 2736 2708 मिनट, ओके 51 डिग्री और 51 डिग्री और सपोज 48 लेंगे, हाँ बराबर है, 48 तक जाना पड़ेगा, 2736 है इसलिए 51 डिग्री 48 मिनट वाली आंसर बराबर है।
कितना लिखा? पॉइंट टू सेवन, वन पॉइंट, वन पॉइंट टू सेवन जीरो एट इज 51 डिग्री एंड 48 मिनट. ओके अब चेक करो डिफरेंस कितना हुआ. ये 36 है और सिर्फ 8 है, 28 का डिफरेंस है. मेन डिफरेंस में 28 कुछ है, 30 है, लेकिन इसके आगे वाला ऐड करेंगे 23. एंगल होगा 51 डिग्री, एंगल होगा 51 डिग्री एंड 51 मिनट, 51 डिग्री और 51 मिनट्स. इस तरह की इसकी एंगल होगी. जिस तरह से हमने सभी एंगल टेन के लिए कैलकुलेट किए, सिमिलर एंगल साइन में भी कैलकुलेट हो सकते हैं. ऐसा जरूर नहीं कि टेन में ही होगा. तीनों टेबल नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस और नेचुरल टेन, तीनों की यूज इक्वल है. लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एग्जामिनेशन में जो लॉग टेबल वो लोग देते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको लॉग टेबल प्रोवाइड करती है, स्कूल भी करती है, तब उसके अंदर नेचुरल कॉस नहीं होता. तो जो भी वर्क करना होता है नेचुरल साइन और नेचुरल टेन से करना पड़ेगा. ओके चलो इस टाइप के एंगल हम नेचुरल साइन के लिए कंप्लीट करके देते हैं. नेचुरल साइन के लिए लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 0.7273, चेक करके बताओ किस डिग्री में आंसर मिलेगा. फर्स्ट कॉलम चेक करो किसमें नेचुरल साइन 46 47 इंक्रीज होता है 46 जल्दी, क्योंकि ये बात में मीटिंग ड्रॉप होगी, बाद में फिर से रिजॉइन होना होगा. आंसर दिया है 0.727, एक मिनट 36 में लिखना है ना 7266. डिफरेंस कितना रहा, उतना मेन डिफरेंस ऐड करना है. सेवन का डिफरेंस है 3 मिनट्स, तो सिक्स का डिफरेंस दिया है 3 मिनट्स, सिक्स का डिफरेंस दिया है, मतलब 46 डिग्री एंड 39 मिनट्स, 46 डिग्री एंड 39 मिनट्स, सिक्स का डिफरेंस है, सिक्स का डिफरेंस मतलब 2, 46 डिग्री एंड 39 मिनट्स. अब इसमें कोई डाउट है कैलकुलेट करने में, इसमें कोई डाउट कि सपोज एंगल से मैग्नीट्यूड फाइंड करना, मैग्नीट्यूड से एंगल फाइंड करना, इसमें कोई डाउट रहता है? नो सर. नो सर. एक काम करेंगे आज, एक काम करो आज इतना ही रखेंगे. अभी मैं एक आपको लिख के एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, अब इसकी प्रैक्टिस कर लो कि मैग्नीट्यूड से एंगल और एंगल से मैग्नीट्यूड प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज में लिख के दे रहा हूँ. बराबर आज इतना सॉल्व करो, आज आगे कुछ वर्क नहीं करेंगे, बस इतना ही कंप्लीट करेंगे. और सपोज मीटिंग ड्रॉप हो जाए तो बाद में रिजल्ट मत होना, आज इतना ही वर्क करेंगे, नया टॉपिक आज कैलकुलेट नहीं करेंगे. ओके सिर्फ एंगल का इतना वर्क आज कंप्लीट करके दो, चेक कर लो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. हो प्रॉब्लम तो फोन करना है कल फिर से. क्लियर सर? ओके.